नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये दृष्टि पब्लिकेशन का फुली प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है, यही देखना है। तो मुद्रा बाजार के बारे में कहा जाता है कि यह वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें मुद्रा में त्वरित रूपांतरित होने का गुण होता है, उसका व्यापार मुद्रा बाजार में नहीं किया जा सकता है। उसका व्यापार जो है मुद्रा बाजार में किया जा सकता है, नहीं लगाया है, तो इसीलिए ये गलत हो रहा है। इसे संगठित और असंगठित दोनों माध्यमों में संचालित किया जा सकता है, ये बात सही है। और इसका लेन देन बेलोचियों के माध्यम से संपन्न हो सकता है, ये भी सही है। और यह अर्थव्यवस्था का अल्पकालिक वित्तीय बाजार होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार भारत में एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता को रेखांकित किया था, तो यह था चक्रवर्ती समिति। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखते हैं कौन से कथन सही है। तो यह असंगठित वित्तीय बाजार में उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है, ये बात सही है। और मुद्रा बाजार का यह साधन स्वतंत्रता के समय से अस्तित्व में था, तो ये भी सही है। और उसके बाद देखें तो यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालिक निवेश अवसर के रूप में भी कार्य करता है, ये भी सही है। और देखें तो इसका उपयोग अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो सभी सही हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका राइट में ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF क्या है। तो ETF के बारे में कहता है, तो यह जो है ओपन एंडेड और क्लोज एडेड योजनाओं के मिश्रण है। ओपन एडेड और क्लोज एडेड में योजनाओं के जो है मिश्रण है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगला सवाल को देखें, निधि कंपनियां विनियमित की जाती है किसके माध्यम से। तो निधि कंपनियां विनियमित की जाती है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा RBI के वर्तमान कार्यों की भूमिका में शामिल नहीं है। तो RBI का कार्य मौद्रिक प्राधिकारी भी है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी होता है, प्रबंधक भी होता है, और विकास बैंकों की स्थापना करना भी है, और मुद्रा जारी करता भी होता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कार्य हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा राइट आंसर, क्योंकि ये सभी कार्य इनका ही है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो ये इंडोनेशिया के देशों में जो है पाया जाता है। अगला सवाल है, अमेरिका के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो अलास्का की तटरेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह सबसे बड़ा की हो जाएगा इंडोनेशिया। अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है अफ्रीका के सबसे बड़े देश हो जाएंगे अल्जीरिया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में भारत का स्थान जो है किस क्रम में रहा था। तो दूसरे क्रम में रहा था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अलकनंदा नदी से पिंडार नदी कहां पर मिलती है। तो कर्णप्रयाग कहते हैं इनके संगम को। और आपको पता है कि देवप्रयाग में जो है इलाहाबाद में जो है संगम होते हैं अलकनंदा और भागीरथी का। अगले सवाल को देखें, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या। तो भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम और जो है एक बैरन है। तो जो कि बैरन सक्रिय है, नारकोंडम निष्क्रिय है। अगला सवाल देखें, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र में स्थापित होने जा रहा है। अगला सवाल है, जिलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो नाथुला जिलेपला ये सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो हो जाएगा कंचनजंगा।
भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ताप विद्युत संयंत्र अवस्थित है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सुदूर उत्तरी है? तो सबसे उत्तरी में जो है ये हो जाएगा गढ़जात पहाड़ियाँ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वायुमंडलीय गैसों की संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो 0.03% और आर्गन का देखें तो 0.93%, इसलिए जो है आर्गन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वाधिक है, लेकिन देखें तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होते हैं। बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान की स्थिति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आदर्श जो है विमान उड़ाने के लिए माना जाता है तो समताप मंडल को, क्योंकि यहाँ पर जो है वायुमंडल की क्रियाएं जैसे कि वर्षा बादल ये सब नहीं होती हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये हो जाएगा डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम राज्य में है। उत्तर बिहार में आर्यों के विस्तार के संबंध में निम्न जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन मगध राजवंशों में सम्मिलित नहीं है? तो मगध राजवंश पर जो है विभिन्न वंशों ने शासन किया था, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, बृहदत्त वंश, कन्नव वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, लेकिन शाक्य वंश नहीं था। अगला सवाल देखें, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की कौन सी शिक्षाएं दी है? तो पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म की शिक्षाएं दी है तो उसने अहिंसा, सत्य, औस्त्य और परिग्रह ये सबको जो है माना था, और महावीर जो है बाद में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मगध के मौखरियों के संबंध में मान्य है? तो मगध के मौखरियों के बारे में देखें तो नालंदा में उसकी मोहरें मिली है, ये सही है। गौड़ वंश द्वारा उन्हें अपदस्त किया गया था, ये भी सही है। और इन्होंने मंदिरों के अनुदान को नवीकृत किया, ये भी सही है। और सर्ववर्मन ने मगध पर विजय प्राप्त की थी, ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसमें बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण मिलता है? तो ये तबकात ए नासरी में मिलता है, जो कि मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था? तो ये जो है कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए तीन वंशों के द्वारा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पीपीआर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अगले सवाल को देखें, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत देखें तो शाह आलम द्वितीय के माध्यम से ही हुआ था, ये इलाहाबाद के संधि के बाद जो है 12 अगस्त 1765 को जो है प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि द्वैध शासन प्रारंभ करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल देखें, किस आंदोलन को बिरसा मुंडा की पृष्ठभूमि माना जाता है? तो बिरसा मुंडा की पृष्ठभूमि माना जाता है सरदार आंदोलन, जो कि 1858 ईस्वी में घटित हुआ था। अगला सवाल, 10 आज्ञाओं के आधार पर इनमें से किसकी आचार संहिता तैयार की गई? तो बिरसा मुंडा की जो है आचार संहिता तैयार की गई थी। जुलाई 1857 के दौरान बिहार के महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कौन से थे? तो देखेंगे तो इसमें जो है पटना में उपद्रव, क्योंकि 3 जुलाई 1857 को पटना में पीरअली के द्वारा जो है उपद्रव किया गया था, और दानापुर में 25 जुलाई 1857 को बगावत हुई, और वीर कुंवर सिंह का विद्रोह हुआ था उसके बाद। तो ए बी सी सही है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जगत को मेटाजोअंस भी कहा जाता है? तो एनिमेलिया जगत को मेटाजोअंस भी कहा जाता है। मृतोपजीवी क्या है? तो मृतोपजीवी के बारे में कहा जा रहा है कि यह क्या है, तो यह मृत कार्बनिक पदार्थ पर जीने वाले पादप होते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस में सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित के लिए जाने जाते हैं? तो ये निम्न पृथ्वी कक्षा जैसे कि LEO जो है जाने जाते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन से हरित शैवाल जैसे कि क्लोरोफायसी का एक प्रकार नहीं है? तो क्लोरोफायसी का प्रकार
क्लेमाइडोमोनास हैं, वॉलवॉक्स हैं और एस्पायरोगायरा हैं, जबकि गैलिडियम नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म संघ एवं उनके प्रकार के अनुसार सुमेलित नहीं है? जरा देखते हैं, पोरीफेरा, यू स्पंजिया ये सही हैं, और पेनेट्यूला, सिलेंट्रेटा ये सही हैं, और टीनोफोड़ा, प्लोरोब्रैकिया ये भी सही हैं, और मैंड्रीना प्लेटी हैनमेंथीज ये गलत हैं। मैंड्रीना जो है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आएंगे, तो इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। द्विबीजपत्री बीज की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को हमें चुनना है। तो देखते हैं, बीज आवरण में दो सतहें होती हैं जैसे कि टेस्टा और टेगमेन, ये सही हैं। विकासशील बीज हाइलम द्वारा फल से जुड़ा हुआ होता है, ये भी सही हैं। और माइक्रोपाइल वह छिद्र है जो हाइलम के ठीक ऊपर स्थित होता है, ये भी सही है। और एंडोस्पर्म दोहरे निषेचन के फलस्वरूप बनता है, इसलिए ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित ही हैं। अगला सवाल देखें, यूकेरियोट्स कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में, इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, तो यही जो है इनके बारे में गलत है, इसमें उपस्थित रहता है, तो इसलिए ये गलत हैं। और कोशिका का आकार बड़ा होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये सभी सही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन के द्वारा खोज किया गया था। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के रसोई घर के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अपकेंद्रण है, तो अपकेंद्रण के बारे में कहा जा रहा है क्या है, तो यह जो है एक तकनीक है जिसका उपयोग कणों को उनके आकार, आकृति, घनत्व आदि के अनुसार बिलियन से अलग करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। परमाणु का तो हो जाएगा प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। अगला सवाल है, स्वर्ण पत्र परीक्षण में परमाणु के निम्नलिखित में से किस घटक की खोज की गई? तो स्वर्ण पत्र परीक्षण में परमाणु के प्रोटॉन की खोज की गई थी, खोज किया था जो है प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन का खोज इसी के आधार पर हुआ था जे थॉमसन के द्वारा, और इसी का खोज नाभिक के द्वारा भी, नाभिक का भी हुआ था इसी के द्वारा, और न्यूट्रॉन का खोज जे थॉमसन के, ये जो है जेम्स चैडविक के द्वारा इसी के कारण जो है हुआ था, इसी परीक्षण के आधार पर, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का सही संयोजन है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जस्ता, निकेल रहता है, तो कॉपर 60, जस्ता 20 और निकेल 20, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दर्द निवारक दवाओं के लिए प्रयुक्त शब्द होता है एनाल्जेसिक, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तेल आधारित पेंट निर्माण में तारपीन के तेल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? थीनर के रूप में किया जाता है। ठोस विरंजक का सूत्र, तो देखेंगे NaHCO3, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाले सोडा हो जाएगा, और NaClO, तो ये हो जाएगा आपका तरल जो है विरंजक, और NaBO3 ये हो जाएगा ठोस विरंजक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, और Na2B4O7 10H2O ये बोरेक्स हो जाता है। अगला सवाल देखें, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक, तो हो जाएगा कैंडला, ज्योति फ्लक्स का लुमेन, और ये शक्ति का वाट हो जाता है। सर्व तरंगे का परास, तो जो सुन सकते हैं, तो वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी कि ऑप्शन ए, और 20 Hz से नीचे हो जाएगा अवसरब, और 20,000 Hz से ऊपर हो जाएगा परासरब। जलप्रपात के तल पर जल का तापमान शीर्ष की तुलना में अधिक होते हैं क्यों? इसलिए होते हैं कि गिरते जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए। अगला सवाल है, सोनार एक उपकरण है जो जल के
नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापता है। तो यह उपकरण किस तरंग का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है, परासरव तरंगे। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियो तरंग है, अवरक्त है, प्रावेगनिक है और गामा है। ये जो है सभी के सभी हैं। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि ये निर्वात में नहीं चल सकती है। वर्ष 2019-20 में बिहार की GSDP विकास दर स्थिर मूल्यों पर कितना रहा था? तो रहा था 10.5%। अगला सवाल है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए अधिकतम व्यय का प्रावधान किया गया था? तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया था अधिकतम व्यय। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? ये 2019-20 के अनुसार तो 2.68%, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो केरल में है, प्रति 1000 पुरुष पर जो है 1084 महिलाएँ हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किस में उच्चतम साक्षरता पाई गई? सबसे अधिक तो केरल में हो जाएगा, केरल के बाद राज्य लगा दिया है तो ये मिजोरम राज्य, देखिए मिजोरम होता है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं रखता है निम्नलिखित में से तो लक्षद्वीप हो जाता है। केरल के बाद लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है। तो यहाँ पर सी आंसर को लिया गया है। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की 15वें क्रम की थी और स्वतंत्र भारत में 7वें क्रम की, क्योंकि 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। बिहार GSDP में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 19.7%, राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित ताप विद्युत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत? तो यह हो जाएगा 82%, यानी कि 82%। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 10%, राइट आंसर डी हो जाएगा। पटना की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो पटना की सीमा देखेंगे तो किसके साथ नहीं लगती है, तो यह मुंगेर हो जाएगा और शेखपुरा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, सोमेश्वर सरेनी बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बाद सिखों द्वारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये हो जाएगा पटना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल सही सुमेलित करना है, सही युग्म को पहचानना है। उदंतपुरी गोपाल ये सही हैं, विश्वविद्यालय का स्थापना और विक्रमशिला के धर्मपाल और मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख देवपाल के द्वारा और अद्भुत सागर लिखा गया था बल्लाल सेन के द्वारा, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सही सभी सुमेलित ही है। अशोक के धम्म के लिए अन्य शब्द क्या हैं? तो अशोक के धम्म के लिए क्योस्ट, यूसेबिया और दाता और धर्मपरायणता का सिद्धांत, ये सभी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? अंतर्वैशिक, इंटीरियर के प्रमुख ये सही हैं और व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश ये भी सही हैं, कर्मांतिक खान प्रमुख ये भी सही हैं और पौर राजधानी का कोतवाल ये भी सही हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मौर्यों की गुप्तचर प्रणाली के बारे में क्या सही है? तो गुप्तचर प्रणाली के बारे में जो है सही यही है कि उसे महामार्त सर्प कहा जाता था, महामार्तयप सर्प, राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है? तो हड़प्पा स्थल जो गुजरात में है धौलावीरा, लोथल, सुटगोडा, लेकिन सुतका कोह ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। महापाषाणों को स्थापित करने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो महापाषाणों को स्थापित करने की प्रथा देखा जाए तो कहाँ पर नहीं थी, तो ये गंगा के मैदान में नहीं था, बाकी डक्कन, उत्तर पूर्व और कश्मीर में था ही। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत शासन नियम 1858 था। अगला सवाल, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किया था किसने? तो ये था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? लोकतांत्रिक है, बंधुत्व है, अखंडता एकता है, बहुलवाद का ये जो है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है प्रस्तावना में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है किस अनुसार से? तो समझौता अथवा संधि के द्वारा, आधिपत्य द्वारा, विजय के द्वारा और अधीनता के द्वारा, इन सभी मार्गों के द्वारा कर सकते हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्तों में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया था? तो संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया था किसको? तो ये मौलिक कर ये जो है राज्य के नीति निरसक तत्व को कहा गया था, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो संशोधन कर सकते हैं संविधान का 368 अनुच्छेद और भाग ये 20 में वर्णित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता दोहरी कार्यपालिका, शक्तियों का संलयन, निचले सदन का विघटन और राजनीतिक एकरूपता, ये सभी हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए किसे अधिकार प्राप्त है? तो संसद को ये अधिकार प्राप्त है, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी ये कानून जो है प्रारंभ ही रहता है। अगला सवाल देखें, अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में की गई है। अगला सवाल देखें, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किस वंश का है? तो ये गुप्त वंश का है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था? तो ये जेम्स मिल के द्वारा विभाजित किया गया था, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल क्यों है जबकि मैदानी इलाकों में खाना बनाना आसान होता है? इसका कारण है कि आप ऊंचाई जब बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ऊंचाई जो है बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से पौधे में मौजूद पोषक तत्व नहीं है कौन? तो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम, जबकि मैग्नीज जो है सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर्गत में आते हैं पौधे के लिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कक्षा को ध्रुवीय कक्षा के रूप में जाना जाता है? तो ध्रुवीय कक्षा के रूप में जाना जाता है निम्न पृथ्वी कक्षा LEO को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। माध्यम पृथ्वी की कक्षा MEO की अनुमानित ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी के सतह से ऊपर? तो ये होती है 2000 से 35790 किलोमीटर, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2017 में आकाश गंगाओं के विशाल सुपर क्लस्टर सरस्वती की खोज की थी? तो ये जो है खोज की गई थी 2 प्रमुखों के द्वारा, एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के द्वारा।
तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि यह विकल्प में है नहीं। अगला सवाल देखें, जीएसएलवी एमके2 प्रक्षेपण यान निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है, तो ये पीढ़ी है चौथी। अगला सवाल देखें, क्षेत्रीय भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम INRSS श्रृंखला के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कितने उपग्रह बनाए, तो ये बनाए थे 9 उपग्रह, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस धातु नहीं है, लोहा, जस्ता और रजत ये सब ठोस धातु के अंतर्गत आते हैं जबकि पारा द्रव धातु के अंतर्गत में आते हैं। अगला सवाल देखें, वाष्प से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो तंतु तुषार कहते हैं। अगर ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में रहेगा तब उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगले सवाल को देखें, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, तो 78.3 डिग्री सी इथेनॉल का क्वथनांक और जल का हो जाता है 100 डिग्री क्वथनांक। अगले सवाल को देखें, एवोगाड्रो संख्या का मान या एक मोल का मान कितना होता है, तो 6.023 × 10³³ होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे जहरीली धातु कौन सी होती है, तो सबसे जहरीली धातु हो जाएगा प्लूटोनियम जिनका संकेत PU होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के बाद किया गया था। अगला सवाल देखें, मुंडा आंदोलन के दौरान डीकू शब्द किससे संबंधित था, तो डीकू शब्द जो है ये बाहरी लोगों से संबंधित था, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को किस तारीख को फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी और ये 1857 का विद्रोह भड़का था मेरठ से 10 मई 1857 को। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन वेदांत है, वेदांग है, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है जिसमें कल्प सूत्र हैं और ज्योतिष हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन बौद्ध धर्म के चत्वारी आर्यन सत्यायन हैं, तो दुख निवारण, दुख निरोध, अष्टांगिक मार्ग ये सभी हैं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें, जैन धर्म के अनुसार कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है, तो जैन धर्म के अनुसार मति ज्ञान है, सुत ज्ञान है, समतांग भी नहीं है, बाकी आवधि ज्ञान है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, इस रैंकिंग में भारत को 54वां स्थान मिला, यही गलत है, 101वां स्थान मिला था भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक में, तो ये गलत है। और यह रैंकिंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन बेल्च यंग योर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है, तो ये कथन इनके बारे में बिल्कुल तह सही है। और अगले विकल्प को देखें, भारत के पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था, ये सही है। और GHI स्कोर 4 घटक संकेतों के आधार पर निकाला जाता है, ये भी सही है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जो कि गलत था। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किन राज्यों को दिया गया था, तो शीर्ष स्थान दिया गया था गुजरात को, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान की समग्र सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान रहा था, अगर हम पहले स्थान की बात करेंगे तो IIT मद्रास रहा था, और दूसरे स्थान की बात करेंगे तो ये रहा था भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था जिसमें सुमित अंतिल और कृष्णा नागर, मनीष नरवाल हैं, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, बाकी बजरंग पुनिया को नहीं दिया गया था।
अगला सवाल देखें, अगला सवाल है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। अगला सवाल देखें, अक्टूबर 2021 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व, तो 53 टाइगर रिजर्व, एक घासीदास 53वां था और 52वां रामगढ़ विषधारी। अगला सवाल, अगस्त 2021 में 4 नए भारतीय रामसर साइट स्थल को शामिल किया गया, तो कौन नहीं है, वर्तमान में रामसर साइट की संख्या जो है आधारभूमिक संख्या 75 है, सुल्तानपुर था राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और थोल झील था, गोगाबिल नहीं था। अगला सवाल देखें, भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत था, तो संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.59% रहा था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत था, तो प्राथमिक घाटा 3.1% और ये 2021-22 के बजट अनुसार था। 35वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2021 के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन हुई थी, तो ये हुई थी फ्रैंकोइस बेटन कोर्ट एंड फैमिली, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया, तो ये राज्य था गोवा, रेबीज मुक्त घोषित राज्य, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी निभाई थी, तो बांग्लादेश के सैन्य दस्ते को शामिल किया गया था। अगला सवाल है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली प्रारूप में नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ई 2025 पहल की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की गई, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ई 2025 पहल। अगला सवाल, हाल ही में विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर ETD का लोकार्पण किया गया और इसका नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम नैनो स्निफर रखा गया था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जून 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में शीर्ष देश कौन हुए थे, तो ये चाइना हुए थे। अगला सवाल देखें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 40 स्थलों को शामिल किया गया है, तो इनमें से क्रम में कितने सांस्कृतिक प्राकृतिक एवं मिश्रित के अंतर्गत हैं, तो ज़रा देखेंगे तो इसमें जो है 32 संस्कृति हैं और प्राकृत 7 हैं और मिश्रित 1 हैं, 32-7-1। अगला सवाल देखें, लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 की महिला एकल विजेता एशले वार्टी हैं और इनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। अगला सवाल है, अगस्त 2021 में ईरान में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने किसे पराजित करके आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, यानी कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, तो ये जो है किन्हें पराजित किया था, तो ये अपने प्रतिद्वंद्वी यानी कि हसन रूहानी को पराजित किया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का हाल ही में निधन हो गया और उनका संबंध बिहार के किस जिले से रहा था, तो नवादा जिला से रहा था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, राइट अंडर अवर नोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक के लेखक हैं आर गिरिधरन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आर गिरिधरन। अगला सवाल है, जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में भागलपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो 30वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर अस्पतालों में क्रियाशील बेडों के मामले में प्रथम जिला
कौन सा? तो ये सहरसा जिला प्रथम स्थान पर है। यूनेस्को द्वारा जारी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021 के अनुसार सबसे कम महिला शिक्षक किस राज्य में है? सबसे कम महिला शिक्षक यानी कि टीचर, तो ये जो है त्रिपुरा राज्य में है, तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का GHI स्कोर कितना है? तो GHI स्कोर हो जाएगा 27.5%। अगला सवाल है हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितना है? तो भारत की रैंकिंग 71वां हो जाएगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार। अगला सवाल देखें। 2020 से 22 अक्टूबर 2021 के बीच बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाबोधि वृक्ष कहाँ पर लगाया? तो महाबोधि वृक्ष जो लगाया था तो यह बिहार विधानसभा परिसर में लगाया था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। बिहार में सतर्कता अभिचेतना सप्ताह का आयोजन किया गया था कब से कब? तो सतर्कता अभिचेतना सप्ताह जो है किया गया था तो ये 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 के बीच में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के निम्नलिखित संसदीय क्षेत्रों में से कौन से संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो बिहार में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा में 6 सीट हैं, जिनमें कि गया, गोपालगंज, समस्तीपुर, हाजीपुर, सासाराम, जमुई हैं। तो सासाराम और समस्तीपुर आपके ऑप्शन में हैं, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें। किस राज्य ने केसर ए हिंद को राजकीय तितली के रूप में घोषित किया है, मंजूरी दिया है? तो केसर ए हिंद अरुणाचल प्रदेश ने दिया है राजकीय तितली, तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने की घोषणा किया? तो ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज। ऐतिहासिक प्रस्ताव जो हाल ही में चर्चा में रहा ये किस देश से संबंधित है? तो ये ऐतिहासिक प्रस्ताव चाइना से ही संबंधित रहा है। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया? तो भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया था नेपाल के सेना प्रमुख को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की थी? तो ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।